हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर आई एम सुधाशु एंड स्वागत है आप सभी का हैव वी आर विद द नोट्स ऑफ क्लास एलेवेंथ हिस्ट्री चैप्टर थर्ड एन एम्पायर अक्रॉस थ्री कंटिनेंट्स इस चैप्टर की लेक्चर हमने पहले ही अपलोड की है और द वीडियो बीन अपलोडेड आप उसको जाके देख सकते हैं आई बटन भी आपके सामने आ भी जाएगा सो so, इसमें हम एक बार नोट्स को देख लेते हैं कि आपके लिए हमने इस प्रीमियम क्वालिटी नोट्स में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करी हैं किन किन चीज़ों को कवर करा है बिसाइड्स द लेक्चर अपार्ट फ्रॉम द लेक्चर हमने इस नोट्स में आपके लिए क्या क्या दिया है सो so, शुरुआत करते हैं हेयर इज द कॉन्टेंट्स जो नोट्स के कंटेंट है आपके सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे बैसे टैम के बाद कैसे चीज़ें बदलती हैं रोमन अम्पायर तक कैसे पहुंचते हैं रोमन अम्पायर किस तरीके से शुरू में मार्की था देन रिपब्लिक होता है देन अम्पायर में तब्दील होता है फिर डिवीज़न होता है देन जो इस डिवीज़न में हम रोमन एम्पायर के ट्री के बारे में बात करेंगे कैसे उसको अर्ली एम्पायर एंड लेट अम्पायर में फिर उसको कैटेगराइज़ करते हैं देन फिर डिवीज़न होता है फिर हम तो अर्ली एम्पायर की बात करेंगे उसमें आर्मी को देखेंगे ज्योग्राफी कैसी थी एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था प्रशासन होता था वह वो किस तरीके से चला जाता था एक बहुत ही अच्छा प्रोविशल एडमिनिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा देन लेट इन एंटीक्विटी में जाएंगे वहाँ पर देखेंगे कि जो थर्ड सेंचुरी क्राइसिस था एंड किस तरीके से रोमन एम्पायर का बाय फर्कीशन होता है क्वेश्चनटाइन द ग्रेट के इरा के दौरान कौन कौन सी चीज़ें हुई एक सिटी इस्तानबुल जो आप देख सकते हैं वो उसी समय बसाई गई थी देन जो जो बाईफर्गेशन के कॉन्सिक्वेंस है उसको डिस्कस करेंगे सो स्टार्ट फ्राम मिस ऑफ पोस्ट मिस ऑफ हमने यहाँ टाइम में देखा है किस तरीके से जो लास्ट सिविलाइजेशन थी मिस सिविलाइजेशन में जो लास्ट अंपायर था नियो बेबी लॉरियन एम्पायर उसके बाद पर्शियन अंपायर आता है जो कि एक के नाम से जाना जाता था देन अलेक्जेंडर द ग्रेट का यू नो इन्वेजन होगा देन जूलियस सीजर अंपायर एक्सपेंड करेंगे देन फाइनली रोमन अंपायर की स्थापना करी जाती है उसके बाद हम देखेंगे कि रोमन अम्पायर में आ, सबसे पहले उसके बाद मैप एक बार रिवाइज कर लेंगे कि जो एलेक्जेंडर का मैप था आप देख सकते हैं कि ये जो लोअर इजिप्ट का इलाका है यहाँ से होते हुए इस फर्टाइल क्रिसेंट से मैसेडोनिया के इलाके को लेते हुए ईरान इराक होते हुए लगभग लगभग लग इंडिया तक इसने छू दिया था देन जूलियस सीजर कहाँ तक एक्सपेंशन करते हैं एंड अल्टीमेटली जब रोमन अम्पायर अपने पीक पर होता है वन हंड्रेड एडी में तो अम्पायर का स्वरूप कैसा था यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इंग्लैंड से लेके नीचे यहाँ नॉर्दर्न अफ्रीका इजिप्ट के पार्ट्स देन रेड सी को पूरा कवर करते हुए यहाँ पे अरेबियन पेनेंसिला के भी कुछ पार्ट्स हैं दैन यहाँ तक आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ पर्शिया तक पहुँच जाते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा वास्ट अम्पायर था इनका देन उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस रोमन अम्पायर को पढ़ने के लिए जो चीज़ें हम इस्तेमाल में लेते हैं मेन सोर्सेज ऑफ एविडेंस के रूप में उसको डिस्कस कर लेंगे टेक्स हैं डॉक्यूमेंट्स हैं मटेरियल रिमेस जो कि हमारे पास बिल्डिंग्स के अवशेष हैं या मोनूमेंट्स के अवशेष हैं या पेंटिंग्स के विशेष हैं पोट्री का विशेष एक्सेस्ट्रा एंड एक्सेस्ट्रा उसके बाद रोमन अम्पायर किस तरीके से फाउंडेशन लेट करी जाती है ईसा के जन्म से आठ सौ साढ़े सात सौ साल पहले रोम को बसाया जाता है देन रोमन माइथोलॉजी पे भी कुछ चर्चा करेंगे देन रिपब्लिक ऑफ रोम के बारे में पढ़ेंगे कि मनारकी को डिस्प्लेस करके रिपब्लिक की स्थापना होती है सीनेट का रोल था सारी चीज़ें हमने विस्तार से इस नोट्स में डिस्कस करी करिए आप इसको एक बार रिवाइज करें देन पहले आई वुड रिकमेंड कि आप इस लेक्चर को देखें देन आप इस नोट्स को देखेंगे उसके बाद अगर आप इस नोट्स को रिवाइज करेंगे देन आप एक बढ़िया पोजिशन में होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर करने के लिए नाउ आगे जो चीज़ है हमारे पास दैट इज रोमन अम्पायर का ट्री ट्रीम मीन क्या आप देख लें किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं तो रोमन अम्पायर को आप बेसिकली दो पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं एक अर्ली रोमन अम्पायर सत्ताइस बी सी में स्थापना होती है वहाँ से लेकर दो सौ चौरासी ए डी तक का जो समय था उसको हम अर्ली रोमन अम्पायर के नाम से जानते हैं हिस्टोरियंस उसको उस पूरे एरा को अर्ली रोमन अम्पायर एरा के नाम से जानते हैं उसके बाद दो सौ चौरासी एडी के बाद जितना भी हमने रोमन अपायर की हिस्ट्री को पढ़ना है वो सारी चीज़ें लेट रोमन अंपायर में आती हैं तो उसी में आपका एक बाईफॉर्गेशन भी आता है थ्री नाइन्टी फाइव ए डी में उसके बाद वेस्टर्न रोमन अंपायर का बाईफॉर्गेशन हो जाता है इसी लेट रोमन अम्पायर एरा में इनका बाईफॉर्गेशन

आर्मी के बारे में आगे चर्चा करेंगे कि आर्मी किस तरीके से एज कम्पेयर टू पर्शियन अम्पायर जो कि पर्शियन अंपायर को हम इसलिए करते हैं क्योंकि उस समय पर्शियन एंड रोमन अम्पायर की राइवलरी चढ़ती थी तो देर वॉज अ राइवलरी बिटवीन पर्शिया एंड रोम सो पर्शियन अंपायर के कॉन्ट्रडी आप देखें तो आर्मी जो रोमन्स की थी वो पेड थी प्रोफेशनल्स थी एंड वहाँ पे कम से कम 25 साल का मिनिमम टेन्यूर होता था हर एक सोल्जर का वहीं पे आप देखें तो ईरान की आर्मी में पर्शिया की आर्मी में कॉन्सक्रिप्टेड आर्मी का कॉन्सेप्ट था यानी कि दो तीन साल का टेन्यूर होता था हर एक इंडिविजुअल को वो कंपलसरी था पूरा करना उसके बाद अम्पायरस अगर हम अपने आर्मी पे ज़्यादा कंट्रोल रखते थे तो उनकी जो पोजीशन थी वो उतनी ज़्यादा स्ट्रेंदन होती थी अगर आर्मी पे कंट्रोल नहीं है क्योंकि आर्मी वॉज द लार्जेस्ट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। अगर छः लाख लोग एक साथ काम कर रहे हैं तो आपके आपको उनके ऊपर कंट्रोल रखना ही रखना है इफ़ यू वॉन्ट टू गवर्न द अंपायर उसके बाद जियोग्रफी ऑफ द अंपायर ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम देखेंगे किस तरीके से अंपायर यूरोप नॉर्थ अफ्रीका एंड लार्ज पार्ट ऑफ फर्टाइल क्रिसेंट तक पहुंच जाता है उसके बाद फर्टाइल क्रिसेंट को भी देख लेते हैं जो लोअर इजिप्ट का इलाका है देन वहाँ से होते हुए उनसे पिटामिया को लेते हुए थोड़ा सा इराक एंड कुवैत का इलाका भी थोड़ा सा नहीं ईरान का थोड़ा सा इराक का तो लगभग बहुत ही सब्सटैशल इलाका उसको लेते हुए इस इस पूरे इलाके को फर्टाइल क्रिसेंट के नाम से जानते हैं और कुछ कुछ चांद के जैसा आकार बनाता है इसीलिए इसको बोलते हैं तो ये जो अम्पायर था बहुत ज़्यादा वास्ट था एंड अपने पीक पे पहुंच जाता है वन हंड्रेड सेवनटीन के आसपास जब जो उस समय ट्राजन होते हैं ट्राजन अम्पैर वो यूफ्रेट्स तक पहुंच जाते हैं यू नो एक्सपेंशन करते करते उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है व्हेन वी टॉक अबाउट अर्ली रोमन अम्पायर की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी एक्सेप्ट फॉर वन ईयर जो कि सिक्सटी नाइन सी के आ, वर्ष को अगर छोड़ दें जिसमें कि हाईली इनस्टेबिलिटी थी क्योंकि आ, उससे पहले जो पढ़ रहा था नेहरू उसने आ, कुछ अच्छा काम नहीं किया था बहुत ही ज़्यादा कीटिक सिचुएशन उसके डेथ के बाद हो जाती है उसके सुसाइड के बाद टू बी क्योंकि उसने सुसाइड करा था तो अगर इस एक वर्ष को छोड़ दें उसके बाद पूरा का पूरा जो इतना इला, इतना इरा था हमारा ट्वेंटी सेवन से लेकर टू एटी तक वो पूरा का पूरा इरा जो आप देख सकते हैं तकरीबन तीन सालों का उस समय तक कोई भी उतना ज़्यादा उथल पुथल आपको देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन उसके बाद फिर हालांकि थर्ड सेंचुरी क्राइसिस होता है एंड देन अल्टीमेटली रोमन एम्पायर बाय फरगेट होगा फिर वेस्टर्न रोमन एम्पायर का डिवेस्टेशन होगा देन ईस्टर्न रोमन एम्पायर अपने पीक पे जाकर फिर वो भी डिक्लाइन करेगा लॉ ऑफ सक्सेशन कैसा था ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है आप जब भी किसी मनारकी के बारे में पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले दिमाग में ये रखना होता है कि सक्सेशन किस तरीके से होता था जो किंग डिसाइड किए जाते थे अंपायर डिसाइड किए जाते थे वो किस बेसिस पे किए जाते थे तो रोमन एम्पायर में ये फैमिली डिसेंट पे ही किया जाता था यानी कि वंशानुगत था आपके लड़के ही या यू नो अगले किंग बनेंगे लेकिन ये जो इनहेरिटेंस होता था ये तो नेचुरल होता था लेकिन कभी कभी ये अडॉप्टिव भी होता था जरूरी नहीं कि जो राजा का बायोलॉजिकल यू नो वारिस है वही यू नो राजा बने कभी कभी एडोप्ट कर लेते थे लोग अपने वारिस को वो भी राजा बन जाता था जैसा कि आप ऑगस्टस सीजर के केस में देखेंगे तो जो पहला अंपायर था ऑगस्टस उससे टिबेरियस उसका जो सक्सेसर है टिबेरियस उसको एडॉप्ट किया था वॉज नॉट हिज नेचुरल और बायोलॉजिकल सन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस चूंकि रोमन एम्पायर वॉज वन ऑफ द डाइवर्स एम्पायर वी हैव हैड इन द हिस्ट्री कि हमारे पास हिस्ट्री में जितने भी अम्पायरस आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा अगर डाइवर्स अपार कहेंगे तो वो रोमन अपार था क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे प्रोवेंसेज थे अलग अलग डायलेक्ट्स बोली जाती थी अलग अलग खान पान अलग अलग वेशभूषा के लोग रहते थे तो इसमें जो लैंग्वेजेस थी बहुत सारी बोली जाती थी लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज आप देखेंगे तो दो ही है एक ट्राइपोलिटी के इस तरफ देखेंगे तो वेस्ट में लैटिन ज़्यादा बोली जाती है एंड इस तरफ देखेंगे तो ग्रीक ज़्यादा बोली जाती है सो दैट वॉज आप इसको एक मिडिल लाइन का मान लें इसके यू नो ईस्ट में देखें तो ग्रीक ज्यादा बोली जाती थी और इसके वेस्ट में लैटिन ज्यादा बोली जाती थी ऑफिशियल लैंग्वेज दो ही होते थे लैटिन और ग्रीक वैसे तो बहुत सारे लैंग्वेजेस थी कॉप्टिक होती थी सेल्टिक होती थी एरेमियाक होती थी हेबरू होती थी बहुत सारी लैंग्वेजेस थी उसके बाद राइवलरी विथ पर्शिया पर्शिया के साथ राइवलरी हो इसकी चर्चा अगर ना करें रोमन एम्पायर को पढ़ते वक्त तो ये आप अधूरा ही पढ़ रहे होंगे क्योंकि पर्शियन अंपायर चाहे पहले पार्थियन अंपायर हो एंड उसके बाद यहाँ देखें टू ट्वेंटी में पार्थियन अंपायर का यू you नो know, रन खत्म होगा उसके बाद टू ट्वेंटी से एक नया अंपायर आएगा यहाँ पे ससैनियन अंपायर एंड ये दोनों अंपायर में जो मेजर फेथ होता था ना रिलीजियस फेथ वो यू uh, नो you know, पारसी धर्म का था जोस्ट्रियनिज़म तो सस्नियन एम्पायर और पार्थियन अम्पायर इन दोनों से इनकी बहुत ज्यादा राइवलरी होती थी एंड लास्ट में सस्न अंपायर बिकेम वन ऑफ द रीजन वाई ईस्टर्न रोमन अम्पायर वाई फर्गेटेड ईस्टर्न रोमन अंपायर यू नो डेवस्टेटेड क्योंकि ससैनियंस का बार बार अटैक होता है ससैनियंस तो, खुद भी बर्बाद हो जाते हैं अरब्स के आक्रमण के बाद सो दैट वॉज अडियो टू ऑफ दैट अंपायर्स द राइवलरी ऑफ रोम आ, पहला तो पार्थियन अपार हो गया 259 फिफ्टी से 224 ट्वेंटी तो तकरीबन आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिनों तक इन्होंने भी शासन करा चार सौ सालों से ज़्यादा आप देखेंगे तो सैनियन अम्पायर भी शासन करता है उसके बाद हाउ द रोमन अम्पायर वॉज बींग गवर्न ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इतने बड़े एंड इतने वर्स्ट अम्पायर की प्रशासन किस तरीके से चलाई जाती थी गवर्न कैसे किया जाता था लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाता था टैक्सेस कैसे कलेक्ट किए जाते होंगे तो सारी चीज़ें होती थी, थी प्रोविंशियल अर्बन सेंटर्स के थ्रू जो भी प्रोविंस होते थे मान लीजिए ये एक प्रोविंस है ये एक प्रोविंस है तो यहाँ पे एक सिटी होती थी जिसको आप अर्बन सेंटर बोल सकते हैं इन सिटीज़ में जो अपर क्लास के एलाइट एलिट्स होते थे अपर क्लास के एलिट्स कुलीन वर्ग के तबके के लोग तो वो मदद करते थे यू नो अम्पेर की यू uh, नो you know, प्रोविंसों को एडमिनिस्ट्रेट करने में जैसा हमारा रोम यहाँ हो गया एम रोम को आप देखेंगे तो इस इलाके में वेस्ट के इलाके में मरक्को में शासन करना तो यहाँ पे एक सिटी है यहाँ के अर्बन सेंटर के लोग इस प्रोविंस में हेल्प करेंगे इस प्रोविंस से यू नो टैक्सेस कलेक्ट करके एम्पर को देंगे यहाँ पे लॉ एंड लैंड लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में हेल्प करेंगे वही सेम चीज़ आएगी जैसे मान लीजिए एन डी का एक सिटी अर्बन सेंटर काला यहाँ पे इस प्रोविंस में जो यहाँ के एन के अर्बन अपर क्लासेस हैं वो मदद करेंगे रोम के अंपायर की क्योंकि अंपायर तो एक ही था एंड उसके अंदर बहुत सारी प्रोवेंसेज थी तो अगर आपको अंपायर को गवर्न करना है डेसी एम्पायर को जिसमें कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है तो आपको तो फेडरल सिस्टम रखना ही पड़ेगा आपको ऑटोनोमी आपको कुछ पावर्स देने पड़ेंगे प्रोविंशियल यू you नो know, जो भी क्लासेस आपके मदद कर रही है उनको तो ये जो प्रोवेंशल अपर क्लासेस थी इनको ये बहुत ज़्यादा इंक्रेजमेंट भी मिलती थी इनको ऑफन मिलिट्री में रिक्रूट किया जाता था हाई पोस्ट पर एडमिनिस्ट्रेशन में रिक्रूट किया जाता था इनको इवन की सीनेट में भी बैठाया जाता था सो बाद में पहले सीनेट में आप देखेंगे तो पहले इटालियन डिसेंट के ही लोग आते थे इसी इसी क्षेत्र के के आसपास के। बाद में जब रोमन एम्पायर बड़ा होता गया एंड प्रोविंशियल अर्बन सेंटर्स का रोल बढ़ता गया क्योंकि अगर टैक्सेस को कलेक्ट करना है एंड ये जो होते थे जैसे मान लीजिए इजिप्ट एलेक्ड्रिया तो ये सारे बहुत धनी प्रोविंस होते थे तो यहाँ से अगर टैक्स आप कलेक्ट करने में चूक रहे हैं तो यू आर मिसिंग मेनी यू नो बुलियंस तो इसलिए ये जरूरी था कि प्रोविंशियल यू प्रोविंशियलो अर्बन सेंटर्स के थ्रू गवर्न किया जाए एंड जो अपर क्लासेस है जो हमारी मदद कर रही है उनको जो लोकल अपर क्लासेस है जो हमारी मदद कर रही है उनको इंक्रेजमेंट मिला है तो उनको सीनेट में भी बिठाया जाता है तो धीरे धीरे आप देखेंगे तो इनको सीनेट में इतना इतन, इतनी संख्या इनकी बढ़ गई कि जो इटालियन डिसेंट के लोग थे वो डाइल्यूट हो जाते हैं उनकी संख्या कम हो जाती है उसको हम आगे देखते हैं उसको डिक्लाइन ऑफ द इटली इन द रोम बोला जाता है कि अम्पेयर क्यों इंकरेज करना चाहते थे ये जो लोकल अपर क्लासेस है पहली चीज़ की जो सीनेट में इटालियन डिसेंट के लोग थे वो नहीं चाहते थे कि अम्पेयर यू नो खुशहाल है क्योंकि वो चाहते थे कि हम वापस से रिपब्लिक में जाए आप अगर वीडियो देखेंगे तो देर आई एम डिस्कस्ड की जैसे जो सीनेट के लोग थे वो चाहते थे कि रिपब्लिक में जो रोम था ना बहुत अच्छा था क्योंकि रिपब्लिक में सीनेट वॉज द अपेक्स बॉडी अपेक्स गवर्निंग बॉडी लेकिन जब रोम अम्पायर हो गया तो सीनेट अम्पेडर के नीचे आ गई तो सीनेट में जितने भी लोग बैठते थे वो चाहते थे कि रोम फिर से रिपब्लिक हो एंड हम लोग फिर से शासन करें करेंट ऑफ अम्पेडर तो इटालियन डिसेंट के लोगों को भगाना किसी भी अम्पेयर के लिए फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती थी क्योंकि वो लोग हमेशा कॉन्सप्रेसी रचते थे वो लोग हमेशा यू नो काम बिगाड़ने के चक्कर में रहते थे, थे तो अम्पेयर ने इंक्रेज करना शुरू करा जो भी अर्बन सेंटर्स के लोग होते थे उनको उठा के यू नो सीनेट में बिठाना शुरू करा यहाँ पे एक छोटे सा यू नो कम्पेरिज़न है सिटी और रोमन कंट्री साइड देहात के बीच में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि सिटी और देहात में ये फ़र्क था कि सिटी में ना ऑर्गेनाइज स्टोरीज नहीं होती थी फ़ूड ग्रेस को कहाँ स्टोर करके रखना कोई अन्नागार नहीं होता था तो इससे क्या होता था ना जब कभी अकाल या फूड शॉर्टेज होगा तो सिटीज़ में तो लोग खुशहाल रहते थे क्योंकि उनके पास स्टोरेज होती थी लेकिन जो देहाती क्षेत्र है वहाँ पे क्योंकि स्टोरेज है ही नहीं सारे के सारे जो फूड ग्रेन है वो तो सिटीज़ में है ट्रेड के थ्रू वही चले गए तो जो देहाती लोग थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते थे कई लोग तो बहुत सारे लोग तो मर भी जाते थे और बहुत सारे लोग यू नो बहुत ख़राब चीज़ों को खा के लाइक आपने तो पेड़ पौधे की टहनियों जड़ों को खा के ज़िंदा रहते थे सो दैट वॉज द कंपेरिजन बिटवीन वुमेन सिटी एंड कंट्री साइट उसके बाद आप देखेंगे तो देन जेडर कैसा था पोजिशन ऑफ वुमेन इसमें देखेंगे जो एडवांटेजेस थी उसको डिस्कस करा हमने जो डिसएडवानटेजेस थी उसको डिस्कस करा देन लिटरेसी कैसी थी अंपायर में तो अम्पायर में लिटरेसी वेरी वेरी करता था किसी एक क्षेत्र में ज़्यादा होता था किसी एक क्षेत्र में कम होता था डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन डिपेंडिंग अपॉन द डिमोग्रफी एंड उसके बाद कल्चर को देखेंगे जो इतना डाइवर्स कल्चर था बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी लास्ट में कैसे है लेटिन सारे लैंग्वेज को डिस्प्लेस कर देती है बिकॉज बाकी जितनी भी लैंग्वेज थी चाहे प्यूनी के एम बर्बर हो सल्टिको कपटिक को रामिया को उन सब की अपनी स्क्रिप्ट नहीं थी या अगर आई तो बहुत लेट से आई तब तक लैटिन डिस्प्लेस कर देती है सारे लैंग्वेजेस को एंड लैटिन बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ रोमन अम्पायर उसके बाद इकॉनमी ऑफ़ द अंपायर अम्पायर के पास अगर गोल्ड से भी ज़्यादा वैलेबल कोई चीज़ थी तो वो ट्रेड था उनका क्योंकि आपने अगर अंपायर का मैप देखा हो तो आपने देखा था कि उसकी जो कोस्टल बाउंड्री थी वो बहुत ज़्यादा थी बीच में पूरा मेडिटेरेनियन आता है ईस्ट में देखेंगे तो उनका एक्सेस रेड सी पे है पर्शियन गल्फ पे है एंड वेस्ट में आप देखें तो अटलांटिक ओशन से लगता है तो ट्रेड तो इतना ज़्यादा रिच था क्योंकि ट्रेड किसके थ्रू होता ओशियंस के थ्रू होता है ट्रेड तो लैंड के थ्रू बहुत कम ही होता है तो ओशियस के थ्रू ट्रेड जब होता है तो ऑब्वियसली रोमन एम्पायर के पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज है तो रोमन अम्पायरस में बहुत बड़े बड़े बंदरगाह थे माइन्स होती थी खाने होती थी क्वेरीज खदाना होते थे चिमनीज़ ओलि ऑयल की फैक्ट्री होती थी एंड ओलि ऑयल वीट वाइन एक्सेट्रा इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ट्रेड करा जाता था बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करा जाता था यहाँ पे एक आप यू नो वेजल देख सकते हैं जिसको कहा गया था इसमें जो लिक्विड प्रोडक्ट्स होते थे लाइक वाइन और ऑलिव ऑयल वो ट्रेड किए जाते थे एक्सपोर्ट किए जाते थे इकॉनॉमी में रोमन अम्पायर की इकोनॉमी में रोमन अम्पायर के ट्रेड में एक बहुत ही पिकुलर फीचर ये था रीजनल कॉम्पिटिशन जो प्रोविंसेस थे रोमन अम्पायर के वो अपने आप में कॉम्पीट करते थे इन द टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट की हम ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे हम ज़्यादा प्रॉस्पेरस होंगे तो इसमें कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिसमें कि ओलिव ऑयल एंड वाइन्स का प्रोडक्शन ज़्यादा होता था तो वो आपस में कम्पीट करते थे कुछ कुछ स्टेट्स ऐसे थे जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते थे वहाँ पर फर्टाइल लैंड ज्यादा थी तो वो आपस में कम्पीट करते थे तो रीजनल कम्पिटन वॉज पटिकुलर फीचर एंड अल्टीमेटली फ़ायदा किसको होता था रोमन एम्पायर को होता था क्योंकि आपस में एक हेल्थी कम्पटिशन होगा तो पैसा जो बोलियंस है वो अल्टीमेटली रोमन एम्पायर के हाथ में ही आएगा उसके बाद देखेंगे तो जो इम्पॉर्टेंट इनोवेशन हुए थे इसमें हमने मिलिंग टेक्नोलॉजी की बात करी है कि मिलिंग टेक्नोलॉजी से कैसे पहले शुरू में जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको यू नो पीसा जाता है देन इसका इस्तेमाल हम माइनिंग के लिए भी करते हैं फिर कंस्ट्रक्शन के लिए भी करते हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी तो एक डैम बनाया जाता था एंड डैम में इस तरफ देखिए अचानक से पानी छोड़ा हमने तो यहाँ पर जब पानी का जो फोर्स है मोमेंटम से जब चक्के पर लगेगा इस टर्बाइन पर तो ये टर्बाइन घूमेगा एंड इससे क्या होगा कि जो भी हमारी जो जो मिलिंग ये जो मशीन्स हैं वो चल उठेंगे जिससे हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं खुदाई कर सकते हैं यहाँ पे आप देखें तो कितना अच्छा एक बना है यहाँ पे पानी गिर के टर्बाइन को चलाएगा टर्बाइन फिर इसको चलाएंगी फिर इससे ये चलेगा फिर इससे ये रोटेट होगा इससे फिर जाके आप देखेंगे तो काटा जा सकता है लकड़ी को सो दैट वॉज हाउ द मिलिंग टेक्नोलॉजी वॉज यूज इन कंस्ट्रक्शन वॉज यूज इन यू नो माइनिंग वॉज यूज इन एग्रीकल्चर उसके बाद अब हमने जब इकॉनॉमी को देख लिया तो इकॉनमी चलाने के लिए लोग भी चाहिए लेबर्स भी चाहिए तो उसमें सिलेबड़ी की बात करनी जरूरी है स्लेबड़ी रोमन अंपायर में एक टाइम में बहुत ज्यादा प्रेवेलट हुआ करती थी आप देख सकते हैं जो पहले अपेरा थे ऑगस्टस उस समय साढ़े सात मिलियन के पॉपुलेशन में जो साढ़े तीन मिलियन लोग थे वो स्लेब्स क्लोज टू फिफ्टी परसेंट पीपल ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन वेयर स्लेब्स स्लेब्स को एज एन इन्वेस्टमेंट देखा जाता था उनसे ज्यादा इंटेंसिव काम नहीं कराया जाते थे क्योंकि ये माना जाता था कि स्लेब्स को हमने एक सर्टे लाइफ स्पैन का यू नो इन्वेस्ट करा लाइक हमने किसी स्लेब को बीस साल की उम्र में खरीदा एंड लेट सपोज कि उसका जो एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन है वो मान लिया पचपन साल है यानी कि वो पैंतीस सालों तक हमें सर्व कर सकता है तो मान लेते हैं उस स्लेव को हमने इतना ज़्यादा काम करा इतना ज़्यादा उस पर ब्रोटैलिटी की कि वो जब हमने बीस में ख़रीदा वो तीस में ही मर गया तो उसने दस साल ही सर्व किया जहाँ पे वो पैंतीस साल कर सकता था वहाँ पे दस साल किया तो पच्चीस साल का तो हमें नुकसान हुआ ना हमारे पैसे पे क्योंकि स्लेब्स को हम वन टाइम पेमेंट करते थे तो इनको कोई रेगुलर दिहाड़ी तो देनी नहीं है तो अगर ये अपनी लाइफ स्पैन से कम जिएंगे तो हमारे नुकसान है तो ऐसा लोग सोचते थे और स्लेब्स को एज एन इन्वेस्टमेंट देखते थे लोग भी जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते थे वो भी ऐसा बोलते थे कि आप भी स्लेब्स को एज एन इन्वेस्टमेंट ही देखें उसके बाद इकोनॉमिक्स जो ट्रेड स्लेब ट्रेड से जुड़ी हुई थी उसको मैंने देखा कि किस तरीके से फर्स्ट सेंचुरी के बाद से चूंकि कोई इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ नहीं तो स्लेब्स की सप्लाई में कमी आ जाती है स्लेब्स की सप्लाई में कमी आ गई तो उससे क्या होता है कि आप देखें क्योंकि वॉरफेयर हो रही थी लड़ाइयाँ हो रही थी तो एक्सपेंशन कहाँ से होगा एंड जब तक स्पेशल नहीं होगा तो स्लेब्स आएंगे कहाँ से स्लेब्स कब होते हैं जब आप किसी क्षेत्र को जीतते हैं तो आप उस क्षेत्र के सारे रिसोर्स पर कब्जा करते हैं एंड सारे वहाँ की आवाम को अपना गलाम बनाते हैं उसके बाद एक कम्युनिटी थी फ्रीडमैन की उसकी हमने चर्चा करी थी कि उसको जब मालिक किसी स्लेब को यू नो आज़ाद कर देते थे तो उसको फ्रेडमान कहा जाता था स्लेब्स को कंट्रोल कैसे किया जाता था तो बहुत ज़्यादा यू नो ब्रूटल क्रैकडाउन पे लॉन्च किया जाता था सुपरविजन उनकी कड़ी जाती थी चैन में रखा जाता था उसके बाद एक डेट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट था कि मनी लेंडर्स डेट देते थे एंड उसके बदले गारंटी के रूप में यू नो आदमी को खुद रख लेते थे कि अगर आपने डिफॉल्ट करा तो आपको हम स्लेब बना के रख लेंगे इसके रिजल्ट में इसके यू नो कॉन्सिक्वेंस में एक जो रिवॉल्ट भी होता है सिक्सटी सी में कि जो जुश uh, जुडे के लोग जो आज का फेलस्टीन का इलाका है इसराइल के इलाका वो लोग मनी लेंडर्स के खिलाफ यू नो रेबेलियन शुरू कर देता है उसके बाद लेकिन हालांकि रोमन आर्मी बहुत बड़ी तो या के उसको क्रश कर देती है उसके बाद जो सोशल हायर की थी अपर क्लासेस में कौन कौन से लोग आते थे मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग आते थे लोअर क्लास में कौन कौन से लोग आते थे इसको हमने देखा उसके बाद थर्ड सेंचुरी क्राइसिस की जो रोमन अम्पायर है इस पर दोनों तरफ से अटैक होते हैं ईस्ट में ससाइनियंस एंड नॉर्थ में जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी जर्मेनिक फ्रैंक गोथ सलमानी वो सब इकट्ठे मिलकर अटैक करते हैं इसको ट्राइबल कमसीज कहा गया अलग अलग ट्राइब्स मिलकर अटैक करते हैं तो दोनों तरफ से अटैक हो रहा था एंड इस पूरे सेंचुरी में रोमन अम्पायर एक के बाद एक लड़ाई ही लड़ रहे हैं एंड टर्मेलिक की सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि सैंतालीस साल के अंदर पच्चीस अंपेयर का तबादला हुआ मतलब पच्चीस एम्पेर आए एंड गए तो कुछ इस तरीके से इंस्टेबिलिटी फैली थी द लेट इंटिग्रिटी को हमने देखा कि डाइक्लेशन के इराद से शुरू होता है टू फोटी टू एटी फोर ए डी से डाइक्शन के समय में बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी थी तो इन बेचारे ने अपने एम्पायर को स्प्लिट करवा दिया तीन पार्ट्स में एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ तो ये बेसिकली चाहते थे कि हमारे पास जो यूजलेस टेरेटरीज हैं जो भी हमारे पास जिसमें कि कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा तो हम क्या करते हैं उसको छोड़ी देते हैं उसको क्विट कर देते हैं तो इन्होंने अबैंडन कर दिया जो भी यूजलेस और लेस स्ट्रैटिक टेरिटरीज थी तो ऐसे क्या हुआ कि रीजनल पावर्स का आप देखेंगे तो उदय हो जाता है एंड अल्टीमेटली द अंपायर गॉट स्प्लेटेड इंटू तो थ्री पार्ट उसके बाद कॉन्स्टेंटाइन का कॉन्सटेंटाइन कॉन्स्टेंटाइन ने जो इंपॉर्टेंट काम किए थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि इसने जो पहले करेंसी इशू होती थी, थी सिल्वर की इसने गोल्ड की शुरू कर दी क्योंकि सिल्वर की अचानक से शॉर्टेज हो गई एंड ये गोल्ड की करेंसी इसके जाने के बाद और ध्वस्त होने के बाद भी बहुत दिनों तक गोल्ड की ही करेंसी पूरे इलाके में चलती है कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट का एक और कंट्रीब्यूशन ये है इसने ने की सिटी बनाई बसाई कस्टैंडोपल की सिटी ही आज के डेट में आप देखेंगे तो इस्तानबुल है पहले ये सिटी बाइडेंटी हुआ करती थी फिर इसने वहाँ पे बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया बिल्डिंग्स बनाई पैलेसेज बनाई इंडस्ट्रीज बनाई एंड सिटीज़ को उस सिटी को अपना नाम दिया कस्टैंडनोपल एंड ये सिटी बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि पूरा का पूरा ईस्टर्न वन पार्ट वेस्टर्न वन पाया तो हालांकि शुरू में ही दस हो जाता है बाईन के उसको वहाँ के देखेंगे लेकिन पूरा का पूरा ईस्टर्न वन पार्ट ध्वस्त हो जाता है लेकिन क्वस्टैंडनोपल को कोई गिरा नहीं पाया चौदह सौ तिरपन में आखिरकार इसको गिरा देते हैं ऑटोमसा के उसके बाद कस्टर्टाइन ने ही इस पूरे रोमन अम्पायर को क्रिश्चनाइज करा था उससे पहले जो रोमन अम्पायर में रिलीजन होता था वो पोलीथिज्म था अलग अलग लोग अलग अलग गॉड्स को मानते थे ग्रीक गॉड्स को मानते थे लैटिन गॉड्स को मानते थे यूनो इजिप्शियन गॉड्स को मानते थे तो अलग अलग फेथ से पोलीथिज्म का जमाना था लेकिन इसने पूरे अंपायर को क्रिश्चनाइज करने की शुरुआत करी क्योंकि ये खुद पहले क्रिश्चियन होता है दैन उसके बाद जो बिशप क्लासेस थी क्रिश्चियन की वो आके दबा के प्रोपेगेंडा चलाती है फिर कन्वर्ट किया जाता सबको क्रिश्चनिटी में उसके बाद बाईफर्गेशन की तीन सौ पंचानवे एडी में बायफर्गेट हो गया ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये हो गया वेस्टर्न ओमन अपार ये हो गया ईस्टर्न उमनपार वेस्टर्न ओमनापार की राजधानी होगी आपकी रोम एंड ईस्टर्न रोमन रोमनापार की राजधानी आपकी होगी कंस्टैंटीनापल यह आप देख सकते हैं जो दो यू नो कॉन्टिनेंट्स के बीच में खड़ा है एशिया का भी कुछ पार्टस में आपको तो देखने को मिलेगा एंड कुछ पार्ट आपको यूरोप का भी देखने को मिलेगा उसके बाद कॉन्सिक्वेंस ऑफ बाइफर्केशन की वेस्टर्न रोमन गॉड डिटीग्रटेड की जर्मनी ट्राइब्स का अटैक बहुत ज्यादा हो रहा था तो रूम पर आठ सौ सालों के बाद तकरीबन अटैक होता है जर्मनी ट्राइब्स जो थी वो रोम को खाली कर देती हैं लूट पाट होता है रोम की इतनी जो बड़ी यूनिवर्सिटी बसाई गई थी वो पूरी की पूरी सिटी बर्बाद हो जाती है देन द अंपायर वेस्टर्न रोमन अम्पायर जो ये अंपायर है ना आपका ये अंपायर है ना आपका वेस्टर्न ये वाला दैट गॉडीड इसके बाद इसको तबाह कर दिया जाता है इतनी ज़्यादा आक्रमण करते हैं ट्राइब्स आकर उसके बाद वेस्टर्न ओम अम्पायर एंड पूरा का पूरा जो यूरोप था उसमें डार्क एज की शुरुआत होती है कोई एडविशन नहीं होता है कोई साइंटिफिक डिस्कवरीज़ नहीं होती है कोई लिटरेचर में एडवांसमेंट नहीं हुआ कोई मेडिसिन में एडवांसमेंट नहीं हुआ लेकिन ईस्टर्न रोमन अम्पायर जो कि आप देखें तो क्वस्टेंटनोपल जिसकी राजधानी थी वो कुछ दिनों तक बहुत अच्छा ग्रो करता है एंड क्वस्टेंटनोपल बिकेम द यू नो सेंटर फॉर आर्किटेक्चर सेंटर फॉर स्कॉलर्स एंड वेल्थ उसके बाद जस्टिन जस्टिनियन एक बहुत बड़े पेडर आते हैं उन्होंने बहुत बढ़िया विकास करा था इस ईशन रोमन पार्क का उसके बाद सेवन्थ सेंचुरी में जब इस्लाम अपने पाँव पसारना शुरू करता तो पहले अरबियन पेनसोला को हाथ में लिया जाता है दैन धीरे धीरे को की सिटी भी ऑटोमस के कब्जे में चौदह के आसपास आ जाती है दैट वॉज इन दिस नोट्स एंड इसके अलावा हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी डिस्कस करा लाइक सिविल वॉर्स कैसे कहते थे नियरिस्ट क्या होता है एसिलियेट क्या था स्लेव पैसलेवीडिंग किसको कहते हैं इक्वाइट्स किसको कहते हैं ह्यूमिलियस जो कि लोअर क्लासेस पीपल को डिजेगनेट करने के लिए यूज़ किया जाता था वो वर्ड क्या था इसके अलावा हमने नोट्स में जो भी ए सी आर टी सोलूशन है उसको भी इंक्लूड करा सो डू चेक दैट नोट्स आउट इन द डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएंगे हमने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी शेयर किया है कि आप इधर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक से ज्वाइन कर ले या आप चाहे तो Uh, सीधे आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ नोट्स का ड्राइव का वहां से डाउनलोड कर लें सो थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव ए ग्रेट डे कीप लर्निंग